हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंजवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो चैनल में पहली बार आ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका कंजवाल एंड द चैनल इज एन एजुकेशनल चैनल वेयर इन वी टॉक अबाउट द डिफरेंट सेगमेंट्स विच आर आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जो अलग अलग सेक्शंस हैं, चाहे वो आप लोग जीके ले लो या मैथ्स ले लो या रीजनिंग ले लो या इंग्लिश ले लो, तो उसके बारे में डिस्कशन होता है। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन द चैनल। तो आज से DSSSB का एग्जाम शुरू हो गया है, जो JJA और SPA का भी जल्दी शुरू होने वाला है। तो आज का जो सेशन हुआ था, आज का जो एग्जाम हो चुका है, उसके बारे में डिटेल एनालिसिस का वीडियो मैं कल परसों तक अपलोड कर दूंगी। फिलहाल जो आप लोगों का लास्ट मिनट रिवीजन है फॉर योर इंग्लिश पार्ट, इंग्लिश में जो क्वेश्चंस देखे गए हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स और आपका जो इडियम्स है, और ऑब्वियसली द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट इज डेफिनेटली देयर, और जो सेंटेंसेस है उसको करेक्ट करके लिखने के लिए आएगा। आपके अलग अलग सीक्वेंसेस में सेंटेंस दिए रहेंगे, उसको प्रॉपर अरेंजमेंट में आपको अरेंज करके यू हैव टू जस्ट अरेंज इट प्रॉपरली एंड देन यू हैव टू टेल द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आप लोगों के डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस एंड विच पार्ट कंटेन्स द एरर एंड व्हाट इज द एरर, दैट इज द थिंग यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू करेक्ट सिलेक्ट ऑन द करेक्ट ऑप्शन। सो इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड एंड लाइक टू द चैनल, डेफिनेटली आपको डेफिनेटली लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, दैट इज लास्ट मिनट रिविजन फॉर योर DSSSB एग्जाम फॉर JJA, जहां पे इंग्लिश बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इज इट नॉट? आपका रीजनिंग और पॉलिटी और जो आपका जीके का सेक्शन है वो भी रेगुलर इंटरवल्स में आते रहेंगे। तो जो आज है, लेट अस फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज इंग्लिश इज कैरिंग द मैक्सिमम मार्क्स। वी टॉक्ड अबाउट द डिटेल अबाउट द सिलेबस, ये सब तो हमने ऑलरेडी बात कर चुका है कि कितने मार्क्स का कितने पार्ट से आएगा। तो अगर अभी तक आपने देखा नहीं किया है, चेकआउट नहीं किया, तो डेफिनेटली चेकआउट कर लीजिए। चलिए लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट इडियम ऑफ द डे, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सो यू माइट गेट द क्वेश्चंस फ्रॉम द सेशन। सो जस्ट फिंगर्स क्रॉस्ड एंड लेट अस सी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। इसका मतलब क्या होता है, इस इडियम का मतलब क्या होता है कि अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, जिस इंसान को ज्यादा खर्चा करना पसंद नहीं होता है, क्लोज फिस्टेड पर्सन, अ माइजरली पर्सन, जो अपना थोड़ा सा जो अपना जो अमाउंट है, जो पैसे है, उनको बचा के चलते हैं, द पर्सन इज ऑल्सो नोन एज अ क्लोज फिस्टेड पर्सन एंड द आंसर विल बी अ माइजरली पर्सन। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। व्हाट अ गुड आइडिया, सीमा रिमार्क। सीमा ने बोला व्हाट अ गुड आइडिया, तो उसको अगर हम लोगों को इनडायरेक्ट फॉर्म में करना है, सो व्हाट विल बी द करेक्ट फॉर्म। सीमा एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी गुड आइडिया। सीमा सेड व्हाट अ गुड आइडिया इट वाज। सीमा एक्सक्लेम्ड दैट द आइडिया इज गुड। सीमा टोल्ड व्हाट एन आइडिया। तो आंसर क्या होगा, सीमा एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज व्हाट अ गुड आइडिया। तो सीमा एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी गुड आइडिया। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा डेफिनेटली। अब एक इडियम्स हम यूज करते हैं, अ बेड ऑफ रोजेस। तो हम बेड ऑफ रोजेस, तो कहीं ना कहीं ये एक हम लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए कि अ बेड ऑफ रोजेस है, तो कहीं वो एक हैप्पी सिचुएशन से ही रिलेट होगा। सो ऑब्वियसली डिफिकल्ट पाथ में तो नहीं होगा, अ वैली फुल ऑफ फ्लावर्स, तो ऑब्वियसली वर्ड टू वर्ड मीनिंग तो होता है नहीं, अ प्लेजेंट परफ्यूम नो। सो यस, एन इजी एंड हैप्पी सिचुएशन इज नोन एज द बेड ऑफ रोजेस। सो द आंसर इज ऑप्शन ए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। तो दे हैव गिवन यू द डिफरेंट ऑप्शंस एंड What is the question? Let us see. I like both tea and coffee, but prefer the dash. मतलब मुझे टी और कॉफी दोनों पसंद है, but I prefer the dash. अब ऑप्शन में दे रखा है latter, least, last, later. तो ऐसे सिचुएशन में ये स्पेलिंग यूज होती है, latter. मतलब मुझे टी और कॉफी दोनों पसंद है, मगर मुझे कॉफी ज्यादा पसंद है,
सो आई प्रिफर द लेटर एल ए टी टी ई आर. तो बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये वाला लेटर होगा कि ये. सो ये नहीं, ये व्हेन आई एम प्रिफरिंग द एल ए टी टी ई आर. सो दैट इज द करेक्ट यूज ऑफ द वर्ड हियर इन दिस सिचुएशन. ठीक है. Select the correct passive form of the given sentence. They offered me a chair. उन्होंने मुझे एक chair offer किया. तो उसको indirect in the passive form हम कैसे बोलेंगे? A chair was being offered to me. A chair is offered to me by them. I was offered a chair by them. So the C option ना, I was offered a chair by them. They offered me a chair. I was offered a chair by them. तो ये होगा हमारा करेक्ट पैसिव फॉर्म. ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द पार्ट वन. अब फ्रीक्वेंटली आप लोगों का वन वन डे छोड़ के इंग्लिश के सेशन और 30 मार्क्स इज फॉर रीजनिंग एंड 30 मार्क्स इज फॉर योर जीके. और उसमें भी आज के क्वेश्चन पेपर में देखा गया कि बहुत सारे पॉलिटी के क्वेश्चंस बहुत थे, ज्योग्राफी के ज्यादा नहीं थे. तो उसी हिसाब से आपके जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन प्रिपेयर होंगे, जहाँ पे साइंस के क्वेश्चन भी होंगे, ऑल द क्वेश्चंस विच आर इंपॉर्टेंट. अभी रिसेंटली मैंने बहुत सारे ऑलरेडी एमसीक्यूज अपलोड किए हैं साइंस को लेकर, सो ऑल एंड जीके को लेकर भी मैंने कर रखे हैं. तो अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया तो डेफिनेटली चेकआउट कर लीजिए, बिकॉज ऑल दोज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव. Hardly had he sit on the chair, then it broke. अब इसमें क्या आएगा? Hardly he had he sit on the chair. तो इसमें कहीं mistake सा लग रहा है. तो कहाँ पे है? कौन से part में है? So let us see. Hardly had he sat onto a chair, then it broke. नहीं, hardly he sit in the chair. नहीं, तो sat. Obviously यहाँ तो sat होगा. Hardly he sat on the chair when it broke, है ना? तो आंसर होगा ऑप्शन डी. Hardly had he sat on the chair when it broke. जब वो टूट गया तो उसने hardly वो बैठे ही था जब वो टूट गया. So hardly had he sat on the chair when it broke. So answer is option D. अब है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देर आर फोर अल्टरनेटिव, चार ऑप्शन है. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेगमेंट टू सब्स्टिट्यूट, मतलब इसके बदले सबसे ज्यादा बेटर कौन सा है. ठीक है. द डाइवर डाइव इन द पूल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट. तो ऑब्वियसली द डाइवर डाइव्ड इन टू द पूल. ये तो पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि इट शुड बी डाइव्ड इन टू द पूल. सो आंसर होगा ऑप्शन डी. द डाइवर डाइव इन टू द पूल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट. तो ऑप्शन होगा डी. अब देखो कि इसमें से ही ट्राइड टू डैश माय रिंग. तो इसमें मेरा सबसे अच्छा ऑप्शन मतलब क्या मिल रहा है, जस्ट रीड एंड सी. ऑब्वियसली ही ट्राइड टू, उसने मेरी रिंग को चोरी करने की कोशिश की. अब वो चोरी करने को कौन सी स्पेलिंग क्या होती है? स्टील, एस टी ई ए एल. सो डोंट गेट कंफ्यूज. ही ट्राइड टू स्टील माय रिंग, स्टील माय रिंग. सो आंसर इज ऑप्शन डी. अब देखो ये क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन कि जंबल्ड है सेंटेंसेस. अब हमको बताना है कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा, फोर्थ होगा. बहुत इजी है. तो पहले पढ़ते हैं चारों सेंटेंस. ही इज अ गिफ्टेड वॉलीबॉल प्लेयर बट नाउअडेज ही डज नॉट प्ले इंटरनेशनल मैचेस. इट इज बिकॉज ही हैड एन एक्सीडेंट लास्ट ईयर. संजय इज माई बेस्ट फ्रेंड. तो सबसे किसके बारे में बात हो रही है? संजय के बारे में बात हो रही है. तो डेफिनेटली संजय इज माई बेस्ट फ्रेंड फर्स्ट में होगा. उसके बाद हम उसकी तारीफ कर रहे हैं कि ही इज अ गिफ्टेड वॉलीबॉल प्लेयर. मगर अब वो खेलता नहीं है. क्यों नहीं खेलता? क्योंकि उसको एक्सीडेंट हुआ. बट नाउअडेज ही डज नॉट प्ले द इंटरनेशनल मैचेस. इट इज बिकॉज ही हैड एन लेक्चर. ये तो बहुत इजी था कि जी ए बी सी. तो ऐसे ही आ रहे हैं, बहुत हार्ड लेवल के नहीं आ रहे कि बहुत हम बना ही नहीं पा रहे. इट विल बी वेरी इजी. बट आप लोग मिला के देखो कि अब मैं पहले ही बोलने लगी ही इज अ गिफ्टेड. ही मतलब कौन? तो संजय के बारे में बात करें तो डेफिनेटली संजय ही से पहले आएगा, है ना? तो संजय इज माय बेस्ट फ्रेंड. ही इज अ गिफ्टेड वॉलीबॉल प्लेयर बट नाउअडेज ही डज नॉट प्ले इंटरनेशनल मैचेस. इट इज बिकॉज ही हैड एन एक्सीडेंट लास्ट ईयर. तो आंसर होगा ऑप्शन सी. सिलेक्ट द वर्ड विच इज इन द सेम मीनिंग इनकेपेबल ऑफ पेइंग डेट. किसी ने कर्जा तो ले लिया, अब वो पे नहीं कर पा रहा. ही इज इनकेपेबल ऑफ पेइंग डेट. उस
उसके लिए एक वर्ड जो यूज किया जाता है वो क्या है? वो है इनसॉल्वेंट. इनकेपेबल ऑफ पेइंग डेब्ट मींस इनसॉल्वेंट. सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए. सिलेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड. अब सिनोनिम मतलब क्या होता है? सेम मीनिंग. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग इन द एग्जाम. सिलेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रिटेन. रिटेन मतलब रखना ना, उस चीज को मेंटेन रखना. रिटेन. ओके, आई ट्राई टू रिटेन द रिलेशनशिप विथ हर. आई ट्राइड टू रिटेन, है ना? तो रिटेन मतलब मेंटेन. सो आंसर है ऑप्शन ए. अब फिर से वो है कि अरेंज करना है करेक्ट वर्ब में. एसोप वाज वन ऑफ देम हु लिव्ड इन ग्रीस अबाउट 2500 इयर्स अगो. ही टोल्ड मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू द पीपल. देयर वेर मेनी टैलेंटेड पीपल इन एंशिएंट ग्रीस ऑल्दो ही वाज अगली हियर. ठीक है, तो पहले होगा ऑब्वियसली देयर वेर मेनी टैलेंटेड पीपल इन, कहाँ की बात हो रही है? पीपल इन एंशिएंट ग्रीस की बात हो रही है. एंड एसोप वाज वन ऑफ देम हु लिव्ड इन ग्रीस अबाउट 2500 years ago, although he was ugly, he had a clever brain and he told many interesting people story. तो जैसे हमको पता चल गया सी हमारा करेक्ट आंसर है. ठीक है, तो मेरे ऑप्शन में मैंने देख लिया कि दो ऑप्शन है सी वाले, तो हम लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी तो आ जाएगी कि सी के बाद ए आना है कि सी के बाद. जैसे अगर मैंने ये सोचा होता कि देर वेर मेनी टैलेंटेड पीपल इन एंशियंट ग्रीक ऑल्दो ही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता था. ये तो हो ही नहीं सकता था क्योंकि ही किसके बारे में? तो एसोप के बारे में बात हो रहा है, तो ऑब्वियसली डी से पहले तो ए ही आना है. तो ऐसे भी हम लोग अपने जो चॉइसेस है उसको छोटा बना सकते हैं. जैसे केबीसी में होता है ना 50-50 कर देना, तो पहले अपने चॉइसेस को 50-50 कर दो और उसके बाद उसमें थोड़ा सा एनालिसिस करने के बाद यू कैन जस्ट टेल दैट व्हाट इज द करेक्ट आंसर. सिलेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ रहे हैं और मैं एक सेशन ऐसे ही बना दूंगी जिसमें बहुत सारे idioms होंगे. एक सेशन ऐसे बना दूंगी इन विच वी विल बी हैविंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. सो डेफिनेटली दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल. वन हु लव्स हिज कंट्री दैट इज पेट्रियॉट. वन हु लव्स हिज कंट्री इज नोन एज द पेट्रियॉट. अब इनमें से कौन सा वर्ड है जो इनकरेक्टली स्पेल्ड है? क्वायर तो एकदम सही है, ये तो सही है. शॉफर ये रॉन्ग है. चैंपियन करेक्ट है. चैरिज्मा इज करेक्ट. सो दिस शुड बी CHAUFFER. अगर किसी पर्सन को एक हायर किया जाता है टू राइड अ कार या अपने गाड़ी वाड़ी को राइड करने के लिए, इट इज नोन एज द पर्सन इज नोन एज द शॉफर. ओके, सो वो स्पेलिंग रॉन्ग थी. सिलेक्ट द एंटोनिम. अब एंटोनिम का मतलब क्या है? कि अपोजिट वर्ड, है ना? सिनोनिम मतलब सिमिलर मीनिंग वर्ड, एंटोनिम मतलब अपोजिट. ठीक है, विलोम शब्द जो होता है हिंदी में वही होता है. डिवाइड, तो उसका अपोजिट ऑब्वियसली क्या होता है? यूनाइट. तो ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट आंसर. ठीक है ना. सिलेक्ट दिस एंटोनिम. अब डेक्सटेरिटी का अपोजिट हमको करना है, तो व्हाट डू यू थिंक डेक्सटेरिटी का अपोजिट क्या होगा? डेक्सटेरिटी का अपोजिट होगा इग्नोरेंस. डेक्सटेरिटी मतलब होता है मास्टरी, मतलब कोई एक स्पेशल स्किल या कुछ, तो उसका अपोजिट होगा इग्नोरेंस. आंसर इज इग्नोरेंस. ठीक है. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन idiom. बैक टू स्क्वायर वन. सो कम टू द ओरिजिनल पॉइंट, इसको बोलते हैं बैक टू स्क्वायर वन. कम टू द ओरिजिनल पॉइंट. अब क्या है कि टू फाइट ऑन द बैटल फील्ड फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री नीड्स अ ग्रेट स्ट्रॉन्गनेस. तो इसमें से कौन सा पार्ट रॉन्ग लग रहा है और क्या होना चाहिए? ठीक है, ठीक है, ये इसको अंडरलाइन कर रखा है. तो नीड्स ऑब्वियसली टू फाइट फॉर द बैटल फील्ड फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री नीड अ ग्रेट स्ट्रॉन्गनेस, तो ठीक नहीं लग रहा है. इट शुड नीड अ ग्रेट करेज, ये होना चाहिए इसके बदले. सो इट नीड्स टू सैक्रिफाइस वंस लाइफ, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज. सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट विल बी द सूटेबल थिंग फॉर इट. सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड लिबर्टी. लिबर्टी मतलब फ्रीडम, है ना? फ्रीडम. और ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आएगा कि उसका अपोजिट है, तो डिपेंडेंस हो जाएगा उसका अपोजिट. ठीक है, Liberty मतलब freedom and dependence will be the antonym. अब question है, अलग अलग fill in the blanks दे रखा है, तो fill in the blanks को complete करके हमको इस paragraph को complete करना है. तो देखते हैं, a stitch in time saves nine.
This wise saying suggests that and dash action taken on time and appropriate action taken on time है ना. अगर एक appropriate action लिया जाए time में on time to rectify an error rules dash the possibility rules out the possibility of accumulation of such errors and future damages है ना. अगर हम लोग टाइम पे कोई आइडेंटिफाई कर दें प्रॉब्लम को तो यहाँ पे होगा डैमेजेस एंड फ्यूचर डैमेजेस. ठीक है, फ्यूचर डैमेजेस. विजडम देयरफॉर लाइज इन करेक्टिंग द एरर एज सून एज इट इज, जैसे ही एरर को डिस्कवर किया जाए. ठीक है, एज सून एज द एरर इज डिस्कवर्ड देयर इज नो पॉइंट इन अलाउइंग द प्रॉब्लम टू ग्रो. प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या है, मैलेडी. यस, अ प्रॉब्लम. M-A-L-A-D का मतलब क्या होता है, एक सीरियस प्रॉब्लम. सो देर इज नो पॉइंट इन अलाउइंग द मैलेडी टू ग्रो एंड देन टेक हास्टी मतलब जल्दबाजी में कोई एक्शन लेना ठीक नहीं है. अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन. दिस वाइज सेइंग सजेस्ट दैट एन एप्रोप्रिएट एक्शन टेकन ऑन टाइम टू रेक्टिफाई एन एरर रूल्स आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सच एरर्स एंड फ्यूचर डैमेजेस. विजडम देयरफॉर लाइज इन करेक्टिंग द एरर एज सून एज इट इज डिस्कवर्ड. There is no point in allowing the malady to grow and then take hasty actions to set times right. अगर कोई openly refuse कर रहा है किसी का obey को मानने से, open refusal to obey the order is known as the defiance. So the answer will be option D. Select the most appropriate meaning of the given idiom. Dead heat. Dead heat क्या होता है? ये A close contest that ends in a tie, उसको बोलते हैं dead heat. बहुत close competition था तब बोलते हैं dead heat. तो ये तुम लोगों का जो competition है that is also it is gonna be a dead heat, is it not? Select the synonym of the given word revere. So yes, अगर हम लोगों को बहुत एक जगह के लिए या एक आदमी के लिए बहुत respect होता है, admiration होता है, उसको बोलते हैं revere. And yes, the answer will be option A. ठीक है, respect, admiration. Option में हो सकता है admire. So that is the synonym. Fine. Select the synonym of the word prevent. Prevent मतलब we have, if we want to prevent this situation, या avert. मतलब prevent को avert भी बोलते हैं. तो ये है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के सेशंस के लिए. पार्ट वन है, डेफिनेटली पार्ट टू आएगा, पार्ट थ्री भी आएगा. तो डेफिनेटली अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन टू इनकरेज मी. एंड डेफिनेटली आई विल बी कमिंग अप विद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आफ्टर अ लॉट ऑफ एनालिसिस. द प्रिपरेशन ऑफ द क्लास टेक टाइम. अभी CSIR, SOASO का भी डिस्क्रिप्टिव पे मैं बनाने ही वाली थी, बट lots of things are going on in this regard ki cancel hoga paper, re-exam hoga, bahut sari baatein hain. To abhi usko hold mein karke abhi jo DSSSB mein aapne JJA SPA ke form bhare hue hain unke liye main lag gayi hu. To I am with you all and let's hope we meet again soon. Till then all the very best. Jiska exam abhi kal hi hai to all the very best. So stay tuned, bye bye everyone, god bless.